अध्याय तीन। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीही यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। पर मैं ये कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसकी व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्या रही? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था? तब फिर व्यवस्था क्या रही? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है
विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहें। इसलिए व्यवस्था मसीही तक पहुंचाने को हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीही यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीही में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीही यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो।